नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं YouTube Go की अनाउंसमेंट बहुत पहले हुई थी कि YouTube Go लॉन्च होगा, लेकिन उसकी डेट नहीं बताई गई थी। फाइनली आज इंडिया में YouTube Go की एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, तो मैं उसका थोड़ा कुछ फीचर बताऊंगा आपको, YouTube Go का क्या क्या फीचर है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, YouTube Go है जो प्ले स्टोर पर अभी सभी यूज़र के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके वहाँ से क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा वर्ज़न, मुझे नहीं लगता कि ये अभी पूरा वर्ज़न है इसका, ये अभी अनरिलीज वर्ज़न है इसका। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एप्लीकेशन YouTube Go की, जो गूगल प्ले स्टोर पर है। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ दो ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल यूज़ करना है इसको। यहाँ एक होम का, दूसरा सेव का दे रखा है। तो होम पे तो आप जो वीडियो आपको देखनी है वो पेज है यहाँ पे, और दूसरा सेव का पेज ये है कि जो आप वीडियो आपने ऑफलाइन ऐड कर रखी है वो है। तो बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे मान लो ये वीडियो है, तो इस वीडियो को सिंपली आप क्लिक करोगे। इस वीडियो को क्लिक करते ही इसके अंदर का कंटेंट प्रीव्यू की तरह दिखाने लगेगा। मतलब ये आपको सिर्फ एक इमेज की तरह दिखा रहा है, इसका कोई चार्जेस नहीं होगा आपके लिए, इसका कोई डेटा खर्च नहीं होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रीव्यू है, बिल्कुल जल्दी में दिखा जाएगा पूरा वीडियो का। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर का कंटेंट क्या है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपको देखनी है नहीं देखनी। इसे आप इजीली अपना डाटा सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो बेसिक क्वालिटी, दूसरा है स्टैंडर्ड क्वालिटी। बेसिक क्वालिटी बिल्कुल लो क्वालिटी का, और स्टैंडर्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है। मतलब फुल HD नहीं कह सकते इसको, थोड़ा अच्छी क्वालिटी की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो बटन है, एक प्ले बटन है और एक सेव का बटन है। प्ले बटन पे इजीली आप अपने वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा वीडियो प्ले हो गया। और दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेव का। सेव का मतलब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो ऑफलाइन ऐड होने लगी है। जैसा आप देख रहे हैं ये वीडियो ऑफलाइन ऐड होने लगी है। और साथ में मैं इसका एक फ़ीचर बता दूं जो काफ़ी अच्छा फीचर है। इसमें एक फ़ीचर दे रखा है सेंड और रिसीव का। सेंड का मतलब अगर आपने जो वीडियो ऐड कर रखी है अपने ऑफलाइन में, डाउनलोड करके रखी है अपने फ़ोन में, आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो उसको ये वीडियो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे शेयर करके वीडियो ले सकता है। तो आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ ना करते हुए आप YouTube Go का एप्लीकेशन यूज़ करें, क्योंकि बाकी जो थर्ड पार्टी की ऐप है जैसे विडमेट और ट्यूबमेट, ये सब YouTube के अकॉर्डिंग ये इलीगल है। तो प्लीज़ इसका यूज़ ना करें। आप जो YouTube की जो जितने एप्लीकेशन है आप उसका यूज़ करें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो। और प्लीज़ हमारे YouTube चैनल टेक्निकल चौहान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।